सारे एक्सप्रेस वे जो हमने लोगों के मुंह से, बहुत से लोगों के विपक्षी पार्टियों के मुंह से उनके भाषणों में सुना था कि हम उत्तर प्रदेश, हमारी सरकार ला दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को यूके और अमेरिका जैसा बना दें। उनकी तो शायद वो बातें भाषणों में रहेगी, लेकिन धरातल पर अगर किसी ने काम करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश से अगर प्रत्याशी बनाती है तो चुनाव लड़ेंगी? हाँ जी, पार्टी उत्तर प्रदेश में जो दिशा निर्देश हमें देगी, पार्टी जो हमें दिशा निर्देश देगी, हम उनके दिशा निर्देश पे काम करेंगे। और पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है पश्चिमी क्षेत्र का प्रभारी बनाकर, तो मैं यहाँ पे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट उनका लूंगी। मैडम आप देखिए, आप एक युवा खिलाड़ी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती पे आई है, तो कोई कुछ एक ऐसी पंक्ति जो आपके दिमाग में हो युवाओं के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश हमेशा रहना चाहिए, तो इस बात में सारी चीजें आ गई है। और उनकी ये बात हम सब युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और इसको दिल में रखना चाहिए। आप जगह जगह जा रही हैं, आपको जन समर्थन मिल रहा है, इस बार पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीट पर चुनाव जीतने जा रही है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन, कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी इस बार? जितनी बार थी अब की बार उससे डबल हम लगा सकते, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तीन कृषि बिल वापस लेने पे क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का समर्थन आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और मैं गई हूँ, मिला भी है। लोगों का प्यार, जो सम्मान, जो आशीर्वाद लोगों का भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से प्रदेश में लाने के मन लोग बना चुके हैं। विपक्ष के लिए आपको क्या संदेश है? विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है, सिर्फ फीता काटा है। विपक्ष का काम आरोप का है, हमारा काम धरातल पे काम करने का, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। देखिए, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाएं और इस पे ही चर्चा करें तो और अच्छा रहेगा। और आप लोग भी याद करिए, उनके इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, उनकी कविताएं हैं, तो ये सब युवाओं को धन्यवाद। तो मतलब ये लगा लीजिए, जिस तरह दिल्ली तो देश की राजधानी हो गई, कहते हैं कि उसके बाद गुड़गांव के बाद नोएडा कहते थे, लेकिन अब नोएडा उसको भी आगे चला। सफाई में नंबर आया इस बार, सफाई में नंबर 1 है। ठीक है।